हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे लेस कमांड के टू ऑप्शंस जिनका यूज करके हम किसी भी लार्ज टेक्स्ट फाइल के स्टार्टिंग में और एंड में नेविगेट कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइफन एन, तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया हाइफन एन एन फाइल का नेम, तो मेरी जो फाइल उसका नेम है नंबर्स। एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक फाइल ओपन हो गई है। इसका कंटेंट क्या है, काउंटिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तभी मैं फाइल के कहीं पर बीच में आ जाता हूँ। ओके, तभी आपको क्या करना है, स्मॉल जी प्रेस करना है। तो जैसे आप स्मॉल जी प्रेस करेंगे तो आप फाइल के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, वन, यानी कि ये फाइल की हमारी स्टार्टिंग है, फाइल की स्टार्टिंग में आ गया। और आप जैसे कैपिटल जी प्रेस करेंगे तो फाइल के एंड में चले जाएंगे। जैसे मैंने कैपिटल जी प्रेस किया तो फाइल के एंड में आ गया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ओनली स्मॉल जी प्रेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्मॉल जी। तो आप देखेंगे फाइल के स्टार्टिंग में चला जाऊंगा। अभी यहाँ पर हमारी लाइन नंबर 76 है, तो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मैंने स्मॉल जी प्रेस किया तो मेरी लाइन क्या हो गई, बंद। अगेन मैं एक बार फिर से कैपिटल जी प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने कैपिटल जी प्रेस किया मैं फाइल के एंड में आ गया। तो आप ये दो ऑप्शन, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी ऑप्शन का यूज करके किसी भी लार्ज टेक्स्ट फाइल के स्टार्टिंग और एंड में नेविगेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो यूजफुल रहेगा। जब भी आप किसी लार्ज टेक्स्ट फाइल को रीड करेंगे तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। एंड प्रीवियस वीडियो में वैसे मैंने ये लेस कमांड का जो वीडियो है उसमें मैंने कवर किया हुआ है ये ऑप्शन, बट स्टिल मुझे लगा कि यूजफुल ऑप्शन है। और जब हम एक साथ कई सारे ऑप्शन को किसी भी कमांड की पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन हमें याद रहते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बनाता हूँ इन्हीं दो ऑप्शन का, तो आपको याद रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।